Why his father has to come for his rescue always? ये दोगला चेहरा क्यों सेंसर बोर्ड का? Kangana, you have always stood for what's right, and recently Rakesh Roshan said that even when someone is spreading lies about him. अरे सर, this is not the place for that. No, but I want to know why can't Indian men stand up for themselves? He's a 43-year-old son. Why his father has to come for his rescue always? No, for how long, father? They will keep hiding behind their influential big names, father. He's an adult. He can pretty much handle his own controversies in show business. It's just a simple controversy. Why daddies have to always, save their sons? I don't understand this. कहो ना प्यारे, अगर जिस दिन बने, और मैं जानती हूँ, ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि बने, लेकिन मुझसे ज़्यादा ऑडियंसेस चाहती हैं. यस, वो जो प्यार बसा हुआ है ऋतिक और मेरे लिए साथ में, कहो ना प्यारे टू बनेगी तो बम्पर ओपनिंग ही मिलेगी उस पर, श्योर. मैं क्या कहा आपसे, सोशल मीडिया चाहती है कि मैं और ऋतिक कहो ना प्यारे में आ जाए वापस. कहना प्यार है अधूरी, जैसे गदर अधूरी होगी मेरे बगैर या कोई एक्टर के बगैर. तो ये बेहद बेवकूफ़ का सवाल है कि आप कहना प्यार है चाहोगे सीक्वल, ये क्या बात है? नहीं, कहना प्यार है एक ऐसी फिल्म है जो 30 साल बाद अगर आप बनाओगे तो आपको नया कास्ट देना चाहिए, क्योंकि आशिकी जैसे पुरानी हो चुकी है. कहना प्यार है पुरानी नहीं हो चुकी, जैसे गोलमाल की सीरीज़ है, अजय देवगन बार बार आते ही है ना, क्रिश ऋतिक हर बार आता ही है ना. पीछे 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 विनोद, विनोद दिख गया. मैम जिस तरीके से नवाज छेड़े में वी रेडी वेडिंग, ये बहुत ही डीएनए से किसी ने हमें फोन नहीं किया क्लैरिफिकेशन के लिए. आज जर्नलिस्ट फोन भी नहीं उठा रहा है. तो ऑनेस्टली इट्स वेरी मिलिशियस गॉसिप. हम सर्टन पोर्शन शूट करने वाले हैं, पर मोस्ट ऑफ द फिल्म येस इज गोइंग टू बी शूट इन अप्रैल आफ्टर शी डिलीवर्स, बट अ लॉट ऑफ द पोर्शंस आर गोइंग टू बी शॉट राइट नाउ. तो ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है और इट्स इररिस्पॉन्सिबल यू नो वे ऑफ राइटिंग न्यूज़. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अ पब्लिकेशन लाइक ऑनेस्टली. तो हिट हो चुके हैं, लोगों को इतना पसंद आ रहा है. पहली बार हीरोइन बनी हूँ तो लोग भी शौक है कि इतने साल हो गए राखी को इस इंडस्ट्री में, हमेशा आइटम गर्ल बनी रही और अब हीरोइन बन गई. ये देर आए दुरुस्त आए, मैं इसमें बिलीव करती हूँ. तो आखिर राखी सावंत हीरोइन बनी गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहली बार मेरी फिल्म एज ए लीड रिलीज हुई है तो ये सेंसर बोर्ड जो है उसमें टांग क्यों अड़ा रहा है मेरी फिल्म को रिलीज करने में. मुझे बात समझ में नहीं आ रही. पहले सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया, आप देख सकते हैं कुछ डायलॉग्स है. डायलॉग्स है कि जिस मर्सिडीज से उतर कर इतना इतराती है ना तू, उस मर्सिडीज को पाने के लिए पता नहीं कितने ट्रकों के नीचे से गुजर चुकी होगी तू. क्या है इसमें, मुझे आप मुझे बताए क्या वल्गैरिटी है? आपको कहीं से भी वल्गैरिटी लगी फिल्म इंडस्ट्री में? इतनी फिल्में बनी है, मैं आपको 500 फिल्में दिखा दूं. इतने वाहियात डायलॉग्स है, इतने गंदे गंदे डायलॉग्स हैं कि फैमिली बैठ कर फिल्म नहीं देख सकती. इतने गंदे गंदे इशारे हैं, ऐसे 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 गंदे गंदे इशारे हैं फिल्मों में. ठोक दूंगा, कर दूंगा, डाल दूंगा, मेरा तो ऐसा कोई डायलॉग ही नहीं है बॉस.
कोड का और डबल स्टैंडर्ड क्यू। हाँ और चलो ठीक है, यू में तो समझ में आता, यूएमए कहते कि इस डायलॉग को ए सर्टिफिकेट जो लिया है हमने उसमें भी काट दो। ऐसा क्या है? ओके नो नो ओके अरे पीछे आना इतना आगे का। थैंक यू। हाँ जी मैं वन सेकंड। हाँ जी 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 जी। चलिए अब आप सब सुनिए, ये सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। वैसे आई डोंट लाइक टू रिएक्ट टू रिडिकुलस कॉन्वर्सेशन। जिस जगह पे ये स्टोरी आई है नॉर्मली कोई उसे सीरियसली नहीं लेता, बट मैं एक प्रोड्यूसर का बेटा हूँ। जब वो आउटडोर चल रहा था जून के महीने में, माय ग्रैंड मदर वो सीरियसली अनवेल, जैसे आप सब आए थे फ़ोटो खींचने जब उनका देहांत हुआ। आप सब जानते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई उस समय जब मैं आउटडोर शूट कर रहा था। अगर उस समय मैं 1,00,000 रुपए का बिल बना रहा था दारू पीते हुए, तो मुझ में कुछ कमी होगी जिस वजह से मुझे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए इसके आगे, ये फिल्म के आगे बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। आई वॉज ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ एवरी डे फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, शूटिंग ओवर देयर, फ्लाइंग बैक। आई कंटिन्यू शूटिंग। मेरा जन्मदिन था उस महीने, मैं कुछ नहीं करना चाहता था। बालाजी ने कहा वो एक पार्टी थ्रो करना चाहेंगे। हमने 1 बजे तक पार्टी की, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक काटा जिसके फोटोज़ इंटरनेट पर मौजूद हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे शूटिंग पे हम सब पहुंच गए थे। आप दिल्ली हाथ में जाके पूछ सकते हैं जहाँ पे हमने शूटिंग की। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, आई एम वेरी वेरी फेयर टू ऑल ऑफ़ यूर, आई ऑलवेज टेक आउट टाइम फॉर ऑल ऑफ़ यूर एंड आई नेवर एवर कंप्लेन अबाउट जब मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ लिखा जाता है। मुझे अनप्रोफेशनल बताना या पोर्ट्रे करना किसी का पर्सनल स्वार्थ है उसमें। Somebody is upset or jealous that they want to mislead people to ask questions like this or think of me like that. So I really request all of you all not to give it importance. Today you've asked me, I don't want to shy away. But I want to use this opportunity to all of you all to be responsible. It is important. It is shameful the way it is being written about and nobody reacts by asking me, sir, aisa ho nahi sakta. You're still asking me that what did you do, tell us. It's very, very sad. And you guys know what happens in our lives. You know my grandmother passed away. You know if I was not a professional, wo picture abhi tak khatam hoti. Aapko lagta hai aisa? My father is known as one of the most serious, most amazing producers. You think as a producer's son, I would put the other producer in jeopardy and say, ye ro 1.5 lakh rupees ka bill. तो बहुत शर्म की बात है। आपकी फैमिली से एक इंसान ने मेरे पे वो आरोप लगाया है जो गलत है, तो मैं चाहूँगा यू शुड ऑल रेट्रोस्पेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट अबाउट इट एंड नेक्स्ट टाइम आई मीट यू आई होप देयर आर नो स्टोरीज लाइक दिस टू डिस्कस। या यू आर जीनियस मैन, यू आर सो इंटरेस्टिंग, सच अ इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग, दैट्स माय आंसर। नो यू डोंट, नो यू डोंट हैव बेटर क्वेश्चंस टू आस्क, that's the problem, but it's okay. Anything else? Thank you, I hope you have a good time. अजय, आपकी फिल्म शिवाय रिलीज हो रही है ऐ दिल है मुश्किल के साथ, और उसको लेकर एक विवाद हुआ है, सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। आपने स्टेटमेंट तो हालांकि दिया था, इतने अच्छे टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इतने अच्छे टॉपिक पे आप फिल्म बनाई है सबने, इन लोगों ने तो अच्छी बातें करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Sir, also one more thing. Just like past, we have also loved the trailer of Shivai. You know, when a clash arises, it always boils down to the screen numbers that two films get at the box office. You know, the reason why I'm asking you is this: are you certain that Shivai will get more screen numbers as compared to Ae Dil Hai Mushkil? Because when Ae Dil Hai Mushkil's teaser was released, PVR Pictures went all out to announce it as the year's most awaited blockbuster. So how do you see it? Can we talk about this on the 28th of October? Just said it. And you please come to me. And you ask me the same question and I will give you the answer, or maybe you give me the same answer and I'll ask you the same question.
You can now click on the link given in the description below to download the official Bollywood Backstage app for the latest news and gossip. Don't forget to subscribe to Bollywood Backstage.